महमूदपुर शैदपुर गाजीपुर के प्राथमिक विद्यालय में छात्रवृत्ति और खाद्यान्न में लगा घोटाले का आरोप। देखिए सुजीत मिश्रा की पूरी रिपोर्ट। क्या नाम है? तारा देवी। अच्छा, क्या मैटर है? मैटर ये है कि विद्यार्थियों को पैसा नहीं मिला है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। एक महिला और कोई आ जाए। एक यहाँ पर बहुत भीड़ है, बहुत हमको लगता है कम से कम 150-200 की संख्या में महिलाएं आई हुई हैं। क्या बात है मैडम? हमारे बच्चों को राशन नहीं मिला। क्या नाम है आपका? प्रमिला। तो प्रमिला जी, कितना पैसा नहीं मिला, कितना राशन नहीं मिला? 5-5 किलो राशन मिला है। अच्छा, चलिए ठीक है। तो मतलब आपके बच्चों को और यहाँ पर जितनी महिलाएं हैं सबके साथ जो है बच्चों के जो मिलना चाहिए पैसा या राशन, वो नहीं मिल पा रहा है, यही ना? तो अभी हम विद्यालय के कुछ लोगों से भी पूछना चाहेंगे। आइए पास में। मेरा बैग देख लेना। नहीं, रहने दीजिए, वही पर है। यहाँ पर हम प्राथमिक विद्यालय में अंदर जा रहे हैं और थोड़ा सा सच्चाई से रूबरू कराना चाहेंगे। क्या बात है, क्या मैटर है? सर थोड़ा सा आप यहाँ टीचर हैं? सर मैं आपसे, आप यहाँ पर जो है टीचर हैं, मैं राइट न्यूज़ चैनल से बात कर रहा हूँ। या कोई सेकंड कोई ऐसा हो पर्सन जो हमारे बातों का जवाब दे प्रधानाचार्य के बाद, कोई है ऐसा? बोलें सर, आप टीचर हैं? अच्छा, तो कोई ऐसा है व्यक्ति जो रिपोर्टेड पर्सन हो जो प्रधानाचार्य के बाद, प्रधानाचार्य पर कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, तो उसका जवाब जो मतलब दे सके? नहीं मैडम नहीं है, तो कोई सेकंड होगा। आप मैडम, आप यहाँ टीचर हैं? अच्छा अच्छा, तो आपका नाम क्या है? क्या मैटर है यहाँ पर भीड़? हमको दिखाते हुए चलाइएगा। यहाँ भीड़ इकट्ठा आरोप लगा रहे हैं अनाज का या छात्रवृत्ति का, क्या सत्यता है? हमें नहीं पता, वो मैडम जाने और गांव वालों, अभी हम लोग को तो कुछ नहीं, अभी आए हैं तो ये पता चला कि गांव वाले कुछ इकट्ठा हुए, क्या बात है। चलिए धन्यवाद। यहाँ पर जो है कोई बोलने मतलब उतना कोई बोल नहीं पा रहा है। अर्चना जी हैं, यहाँ पर टीचर हैं, अपने आप को बता रही हैं। इनका कहना है कि मैडम ही जवाब दे पाएंगी, जो वास्तविकता है मैडम बता पाएंगी। मैंने एक पक्ष का जवाब जो है एक पक्ष की बातों को दिखाया है, दूसरे पक्ष में एक टीचर थे, उन्होंने जवाब नहीं दिया, अर्चना जी ने थोड़ा बहुत जो है बताया है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के प्रधानाचार्य भी अपनी बातों को बतावें, अपनी पक्ष को रखें, इसके बाद जो तथ्य है, जो सही है, जो वास्तविकता है, जो जनता के पक्ष में है, उसके लिए यथायोचित जो है प्रशासनिक अधिकारी और शासन के लोगों द्वारा कार्रवाई भी कराया जाए। यदि सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो एक्शन भी होना चाहिए। धन्यवाद। यदि हमारी आवाज़ गाजीपुर के SP, गाजीपुर के DM, गाजीपुर के BSC, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और भारत के गृह मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जा रही हो, तो जो भी संभव हो, जितना संभव हो, इस पूरे कार्यों का जो है एक एजेंसी के माध्यम से जांच करा करके तथ्य का आकलन करके न्याय किया जाए। धन्यवाद।